जय श्री ओम पन्ना साहब के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ पहले की तरह बेहतर ही होंगे अब। और आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल SB होम्स में। तो दोस्तों, मैं आपकी अपनी निशा, आपकी होस्ट, आज आपको ले आई हूँ एक प्यारे सफ़र की ओर, जिसे देखते देखते आप वाकई खुश होने वाले हो। आज के सफ़र में आप देखने वाले हो एक प्यारा सा घर, जो कि 165 गज में डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, आज के घर को चाहे आप बाहर से देखें या अंदर से देखें, आपको हर तरफ एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश तरीके से आज के घर को डिज़ाइन किया गया है कि आप भी देख कर बोलेंगे कि वाह, घर हो तो ऐसा। घर को अच्छे से बारीकी से जानने के लिए आपको निशा के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो निशा आपसे रिक्वेस्ट करती है कि निशा के साथ बनी रहिएगा, वीडियो को स्किप करने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आज आइए एलिवेशन की तरफ बढ़ते बढ़ते आप सभी को फिर से बोलना चाहूंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे है नए तो जल्दी से जाइए, हमारे यूट्यूब फैमिली में आप भी ऐड हो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड इसी के साथ में लास्ट में आखिरी में जब वीडियो एंड होगा तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 165 गज में आज के घर को डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही अच्छा ग्रीनरी स्पेस आज के घर के साथ आपको मिलेगा। देख लीजिए एलिवेशन लुक, बहुत ही खूबसूरत सा एलिवेशन दिया गया है। बात करेंगे इसके फ्रंट साइज की, 21 के फ्रंट के साथ आपको ये घर मिल जाता है, टेक्सचर वर्क करके दिया गया है। बात करेंगे इस घर के फैसिलिटीज़ की, तो 40 फीट रोड पे आपको ये घर मिल जाएगा। वाटर एंड सीवरेज दोनों फैसिलिटीज़ के साथ ये रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छी वाली बात ये हो जाती है। देख पा रहे हैं जो आपका बर्म एरिया है, स्पेशियस आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्टेप्स का भी यूज़ किया गया है। एंड इसी के साथ दोस्तों, साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ में ले सकते हैं। आ जाइए डोर की बात करेंगे। डोर देख पा रहे हैं, काफ़ी हैवी डोर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी खूबसूरत ग्लास वर्क करके दिया गया। एंड काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि मैंने अभी इसको टच किया तो मुझे पता है कितना अच्छा भारी है। दोस्तों, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको पोर्च एरिया मिल जाता है, स्पेशियस। यहाँ पर इजीली आप अपनी बड़ी कार पार्क कर पाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा आपको ग्रीनरी स्पेस मिल जाता है। लाइक यार, मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आपको भी पसंद होगा। तो यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम में, इवनिंग में या मॉर्निंग में अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, इवनिंग में टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक सेपरेट एंट्री मिल जाती है, जो कि आपको ले जाएगी आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आ जाइए दोस्तों, स्टेयर्स का प्रोविजन आपको बाहर से मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं घर के अंदर, आ जाइए दोस्तों। ये है आपका लिविंग स्पेस, देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों की मुझसे शिकायत रहती है कि यार निशा, आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हो लेकिन रूम्स की साइज़, लिविंग एरिया की साइज़ नहीं बताते। तो आज आइए, चलिए बता देते हैं। आज के लिविंग एरिया का साइज़ है 18x12 के साइज़ में ये रहेगा आपका स्पेशियस लिविंग एरिया। ये वॉल आपको खूबसूरत वॉलपेपर के साथ, कुछ वुडन वर्क के साथ में डिज़ाइन करके दी गई है। एंड इसी के साथ देखेंगे अगर हम सीलिंग की तरफ, तो देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सैंडलियर के साथ, यानी कि बहुत ही खूबसूरत से फैंसी लैंप्स के साथ, फैंस के साथ आपको सीलिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है आपका LED पैनल, जो कि ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा आपको मिल जाता है। यहाँ पर ईजिली आप अपनी LED को मेनटेन कर पाएंगे। इस तरफ कॉमन वॉशरूम दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए। वॉशरूम का स्पेस भी बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है, इंडियन सीट के साथ दिया गया है, टाइल वर्क भी करके दिया गया है आपको। आज आइए देख लेते हैं आपका मॉड्यूलर किचन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी एंट्री दी गई है वुडन वर्क के साथ, और बहुत ही अच्छे साइज के साथ आपको किचन मिल जाता है। यहाँ पर इजीली आप खाना बना पाएंगे और आपको सफोकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको चिमनी के लिए स्पेस मिल जाता है। कैबिनेट्स भी आप देख ही पा रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर आपको फ्रीज के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आ जाइए फर्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका बेडरूम दोस्तों। जैसे ही हम बेडरूम में एंट्री करते हैं, हम चाहते हैं कि बेडरूम खुला डुला हो, तो देख पा रहे हैं आज का बेडरूम स्पेशियस आपको मिलेगा। इजीली यहाँ पर अपना बेड लगा पाएंगे। बात करेंगे इस बेडरूम के साइज़ की, 10.5x14 के साइज़ के साथ आपको ये मिल जाता है। बैकयार्ड स्पेस भी रखा गया है,
आज है एक बार मैं आपको दिखा ही देती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बैकयार्ड स्पेस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यार बैकयार्ड स्पेस भी इतना प्यारे टाइल वर्क के साथ दिया गया है, लाइक सच में मजा आ गया बैकयार्ड स्पेस देख के। तो एंड इस तरह बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आपकी वार्डरोब आपको मिल जाती है। देखिए काफी अच्छा स्टोरेज है और अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। आपका जो ये वॉशरूम है वेस्टर्न सीट के साथ आपको मिल जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। आज आइए देखते हैं सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की तरफ बढ़ते बढ़ते एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहती हूँ। 165 गज में इस घर को बनाया गया है। लोकेशन की बात करूंगी, सुशांत सिटी सेकंड में ये घर लोकेटेड है आपका मेन कालवा रोड से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे। ये देखिए बातचीत करते करते अभी हम पहुंच चुके हैं आपके सेकंड बेडरूम की तरफ। इसका साइज भी एज ए टीज रहने वाला है, 10.5x14 का इसके साथ आपको ये मिल जाता है। यहाँ पर विंडो है तो ठंडी ठंडी हवा तो मिलेगी और आप चाहें तो समर टाइम में यहाँ पर कूलर भी लगा सकते हैं। वैसे तो आपको एसी के लिए सेपरेट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड रहे कूलर में तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आ जाइए। हाँ जी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये देखिए एज ए टीज आपको ये लिविंग स्पेस मिल जाता है। वॉल भी आपको एज ए टीज दी गई है, सीलिंग भी आपको एज ए टीज मिल जाती है। सेम 18x12 के साइज के साथ आपको ये लिविंग एरिया दिया गया है। यहाँ पर एज ए टीज आ जाता है LED पैनल। किचन देख पा रहे हैं, किचन के साइज की बात नहीं की थी तो आज ये कर लेते हैं। 8.5x14 के साइज के साथ आपको ये मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। आज ये लेके चलती हूँ थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये है आपका थर्ड बेडरूम, ये भी एज ए टीज ही रहने वाला है। एक बार आप देख लीजिए दोस्तों। एंड इसी के साथ में दोस्तों बताना चाहूंगी कि 90B अप्रूव्ड आपकी ये प्रॉपर्टी है, तो बहुत ही अच्छी वाली बात ये हो जाती है। अब हम चलते हैं के फोर्थ बेडरूम की तरफ। दोस्तों जैसे जैसे हम फोर्थ बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हमें गुजरना पड़ेगा कॉमन वॉशरूम से। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। ये भी एज ए टीज रहने वाला है टाइल वर्क के साथ, यानी कि डंपलेस तो हो जाता है इसी के साथ। बाय बाय। देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका फोर्थ बेडरूम, स्पेशियस है। ये भी अटैच बैल्कनी के साथ ही रहने वाला है। और इसी के साथ अभी हम फाइनली कर चुके हैं इस घर का टूर। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे इस घर के प्राइस की ओनली 90 लाख में। हाँ जी दोस्तों, 90 लाख में आपको ये 4 BHK का 165 गज में बना प्यारा सा घर मिल जाता है। तो देर किस बात की है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप निशा को कॉल लगाइए और आ जाइए साइट विजिट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।